हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और अभी मैं निकलने वाला हूँ। मेरे बॉक्सेस हैं तो मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है और ये सारे बॉक्सेस को पार्सल करना है। तो नियरेस्ट जो मेरा पोस्ट ऑफिस है मेरे घर से वो है इलंका पोस्ट ऑफिस। काफी सारे बॉक्सेस है, अराउंड 7 बॉक्सेस है और काफी बड़े भी हैं। तो पहले मैं इनको धीरे धीरे करके नीचे लेके जाता हूँ, कार में फिट करता हूँ। ये है हमारे सारे बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। सो काफी ज्यादा बड़े बॉक्सेस है। अभी मैं धीरे धीरे करके इसको पहले कार में लेके जा रहा हूँ और टाइम ऑलरेडी अभी 12 बज चुके हैं। तो मुझे वहां पे 1 बजे से पहले पहुंचना है, वरना उन लोगों का फिर लंच हो जाएगा तो मुझे वहां पे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख दिया है, अभी लिफ्ट से एक एक करके नीचे लेके जाना होगा। सारे बॉक्सेस को लिफ्ट में रख दिया और पूरी लिफ्ट ही भर गई है। तो अभी गाड़ी को निकालते हैं और उसके बाद वहां पे मैंने अभी बॉक्सेस रखे हैं, वहां अंदर से रख दिया सारा सामान। और अभी आपको दिख रहा होगा पूरा ये जो है ना पीछे का रियर साइड का सिटिंग स्पेस पूरा का पूरा फिल्ड है 7 बॉक्सेस। मतलब नीचे भी थोड़ा मैंने सामान रखा हुआ था पहले से, तो नीचे का भी फिल है और ऊपर का भी फिल है। आगे की सीट खाली है। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से जल्दी से, सामान रखने भी मेरे को 10 मिनट लग गए, बंद भी नहीं हो रहा। कार में बैठने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है पूरा ऊपर तक भरा हुआ है सारा। और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कार को मैंने स्टार्ट कर लिया है, थोड़ी देर तक इसको हम लोग ऑन रहने देते हैं 1 मिनट तक, उसके बाद फिर निकलते हैं। और मुझे अभी फ्यूल भी रिफिल करवाना है और फ्यूल टैंक मतलब फुल करवाना है और टायर प्रेशर वगैरह चेक करवाना है, बिकॉज अभी 2-3 दिन में निकलने वाला हूँ मैं यहाँ से। सो सब कुछ मेरे को सुबह कंप्लीट चाहिए होगा। और एसी ऑन कर लेते हैं यार, बहुत गर्मी है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने घर से और टाइम हो गया है अभी 12:30। तो 1 बजे से पहले पहुँच जाएंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। लंच ब्रेक वाला वो पार्ट है वो सब हम लोग को नहीं फेस करना पड़ेगा। ट्रैफिक आज काफ़ी कम लग रहा है, मंडे है शायद और अभी सब लोग ऑलरेडी ऑफिस वगैरह जा चुके हैं, तो इसलिए रोड्स पर इतना ट्रैफिक नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है कि पोस्ट ऑफिस के पास पार्किंग का इशू है। तो लास्ट टाइम भी जब मैं और अतु गए थे तो हम लोग को वहाँ पे पार्किंग देखने में बहुत मुश्किल हुआ था। और ये प्रॉब्लम होती है कि पार्किंग दूर करनी होगी और फिर बॉक्सेस को मेरे को सारा उठा उठा के लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से लेना है हम लोग को लेफ्ट ये लंका के लिए। फिर से वही प्रॉब्लम है यार पार्किंग का, अभी यहाँ पे कहीं पार्किंग नहीं है। और पार्किंग मिलती भी है तो मेरे को सारे बॉक्सेस फिर खुद से ही लेके जाना पड़ेगा। तो अभी देखता हूँ मैं यार, किसी घर के सामने तो पार्क नहीं कर सकते, कहीं पे भी पार्किंग मिल जाए। यहाँ पे गली है बट लगा सकता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे लगा सकते हैं वरना क्या प्रॉब्लम है, लोगों के घर है यहाँ पे, आप कहीं पे भी लगाओगे ना तो फिर जो प्रॉब्लम लास्ट टाइम थी वही इस बार भी है। बार बार बॉक्सेस को लेके जाना होगा, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है। ये रही हमारी पार्किंग, यहाँ से पोस्ट ऑफिस बार बार मेरे को वॉक करके जाना होगा। अभी 3 बॉक्सेस मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अभी 4 और रह गए हैं। सारे बॉक्सेस ले लिए हैं हमारे, आखिरी 2 बॉक्सेस। पोस्ट ऑफिस का काम हो गया है और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। टोटल बस 2000 लगा 7 बॉक्सेस का, तो काफ़ी कम है बिकॉज बॉक्सेस बड़े थे बट वेट वगैरह ज़्यादा नहीं था। एक बॉक्स में तो मैंने अपना बीन बैग ही रख दिया था, कहाँ कार में यार बीन बैग, बिकॉज ज़्यादा स्पेस लेता है बट वेट नहीं होता, तो मैंने सोचा वो भी पार्सल कर देता हूँ। ये है 7 बॉक्सेस की मेरी रिसीट और ये रही मेरी कार। अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से, पोस्ट ऑफिस से मैं निकल गया हूँ और अभी मेरे को आगे यलंका से यू टर्न लेना है। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यार आगे, पहले नहीं था अभी एकदम से ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, बिकॉज आगे सिग्नल भी है और ये साइड में गाय है ग्रास खा रही है। इन काम मेरा हो गया है ये पोस्ट ऑफिस का, और अभी जो नेक्स्ट मेरा काम है वो है मेरा बाइक का, मुझे बाइक भिजवानी है। तो आज तो शायद नहीं जाऊंगा, 120 हो रहा है, बिकॉज अभी जाते जाते ही मेरे को वहाँ पे स्टेशन पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएगा। तो कल जाऊँगा मैं, बाइक मेरे को फिर ट्रेन से भिजवानी है घर, और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा शायद फ्राइडे को या फिर सैटरडे को। इस सर्कल से हम लोग को लेना है यू टर्न। यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं। तो पेट्रोल अभी भर रहा है, देखते हैं कितने का आता है। 2750 डलवाया मैंने, 26 लीटर आया अभी। इसमें हवा भी डलवा रहा हूँ मैं, और पीछे वाले टायर में है 33, आगे वाले में 36। सर अभी फिल कर रहे हैं एयर, अभी आगे वाले टायर में हवा भर रहे हैं और पीछे के दोनों टायर में हवा कम थी, मतलब 4 PSI कम था, आगे भी ऑलमोस्ट 5 PSI कम है यार, काफ़ी ज़्यादा कम हवा थी। फुल टैंक करवाने के बाद रेंज अभी सिर्फ 520 दिखा रहा है, बिकॉज सिटी में चलाने से एवरेज कम होता है ना इसलिए। और अच्छा किया हवा डलवा ली, निकलते हैं यहाँ से, बिकॉज हवा सच में काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो इसलिए ऐसे कभी भी कोई बड़े रोड ट्रिप से पहले हवा चेक करवा लेनी चाहिए। आने के बाद मैंने कार को पूरा साफ़ किया और एक बार चेक कर लिया सब कुछ ठीक है कि नहीं, टायर्स वगैरह ये सब। और अभी क्योंकि इतना लंबा रोड ट्रिप होने वाला है मेरा, 2 दिन बाद निकलने वाला हूँ मैं 2000 किलोमीटर्स का, तो एक बार इंजन एरिया वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, सारी वायरिंग वगैरह ठीक है या नहीं। और फिर ये मैंने वाइपर का जो है फ्लूइड वाला वो वाला भी मैंने रिफिल कर दिया, पानी वगैरह डाल दिया,
और अंदर से भी मैंने कार को थोड़ा सा क्लीन कर दिया है अभी। मेरा जितना सामान पैक हो गया है, 3-4 बैग्स, ये सब मैं कार में रखने का सोच रहा हूँ, बिकॉज लास्ट डे में एक साथ सामान रखना बहुत मुश्किल होगा। और ये मैंने कार में माउंट लिया था मोबाइल फोन लगाने के लिए, तो मैं अभी ट्राई करूंगा इसको भी स्टिक करने का। एक मैंने कपड़ा बिछा दिया बिकॉज सीट गंदी हो जाएगी। उसके बाद ये 2 बैग्स यहाँ पे रख दिए, एक बैग यहाँ पे रखा हुआ है, और ये वाला मैंने आगे अपनी सीट पे रख लिया, और एक पिलो भी आगे रखा है इन केस मेरे को रेस्ट करना हो। मैंने ये वाला माउंट लिया हुआ है, अभी मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे एग्जैक्टली अच्छे से फिट होगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं, और ये तो ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा, तो इसका मैं देखता हूँ कौन सा एंगल अच्छा रहेगा, फिर वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। तो ये वाला जो माउंट है ना, ये आप ऐसे करके सक्शन माउंट बोलते हैं इसको, आप इसके ऊपर ये वाला जो लेयर है वो हटा के डायरेक्टली स्टक कर सकते हैं, बट इसको ना ज़्यादा भी रिमूव नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर आपने लगाया है तो उसको 2-3 बार चेंज कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बार चेंज करोगे तो इसका जो ये स्टिकीनेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो मैं अभी एंगल सोच रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लगाता हूँ तो फिर जो मेरा स्टेयरिंग व्हील से मेरे वीडियोज़ में अगर रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें ये आएगा, और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ एग्जैक्टली ये मिरर के नीचे तो ये फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दे सकता है, बिकॉज बार बार यहाँ पे देखने पर यहाँ पे ध्यान जाएगा। तो फिर मैं इसको यहाँ कहीं सेंटर में लगाता हूँ। तो इसको फाइनली मैंने फिक्स कर दिया, और इसको मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सेंटर में रखा हुआ है, और मैंने यहाँ से कैमरा फिट करके देखा तो एंगल ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है। मतलब बोनेट का जो पार्ट है और आगे का सब कुछ दिख ही रहा है, थोड़ा बहुत हम लोग को डैशबोर्ड का पार्ट भी दिखेगा, बट वो मैंने कितना भी ट्राई किया वो नहीं ठीक हो पा रहा है। तो फिर अभी इसको मैंने सेट कर दिया और काफी ठीक है ये, काफी ईजिली मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे करके ओपन कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल अपना रख सकते हो, देन इसको आप थोड़ा सा प्रेशर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोन लॉक हो जाएगा। और ये वाला भी काफी स्टर्डी लग रहा है मेरे को, मतलब ये सब क्लैंप्स वगैरह भी है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी मूव कर सकते हो, उसके बाद ये वाला पार्ट भी। रूम पे वापस आ गया हूँ मैं, अभी थोड़ी सी और पैकिंग करता हूँ, उसके बाद मैं जिम के लिए निकलने वाला हूँ। सो 2 दिन बाद मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से आगरा के लिए ड्राइव करके जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके सामान कार में रखता रहूंगा, उसके मुझे आइडिया लग जाएगा कितना स्पेस बचा है कितना नहीं बचा है, और काफी सारा सामान मैं छोड़ भी रहा हूँ यहाँ पे, तो सारा सामान कार में भी नहीं आ पाएगा और सारा सामान मैं पार्सल भी नहीं कर पाऊंगा, तो काफी सारा सामान इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। तो अभी मैं जाता हूँ जिम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, विल सी यू अगेन।